और उत्तराखंड के 23वें राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रुद्रपुर की पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक शिव अरोरा समेत जिला प्रशासन के साथ ही तमाम पुलिस के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। डीएम उदय राज सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में शहीदों को याद करते हुए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही तमाम विभागों ने स्टॉल लगाकर सरकार की योजनाओं की जानकारियां दी। वहीं विधायक ने प्रदेशवासियों को शिव राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। रुद्रप्रयाग से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। आया जा रहा है और मैं भाग्यशाली इसलिए हूं कि जब उत्तराखंड राज्य बना था तो मैं उस समय एसडीएम डीडी हाट था और मुझे बड़ी खुशी है कि आज उसी जगह पर मैं कलेक्टर के रूप में आज इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। जहां तक राज्य गठन की बात है, जिन अपेक्षाओं आकांक्षाओं को लेकर राज्य का निर्माण किया गया था उसमें काफ़ी सीमा तक प्रदेश सरकार ने, यहां के शासन प्रशासन ने काम किया है और विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी उपलब्धि हासिल हुई है। आगे अभी बहुत कुछ किया जाना है और जैसा कि प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि 2025 तक ये इस देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा, उसी दिशा में सारा शासन या प्रशासनिक अमला सब काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड राज्य की 23वीं स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये राज्य वो राज्य है जो लाखों लोगों के संघर्ष के बाद और बहुत सारे लोगों के बलिदान के बाद निर्माण में आया। उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने की ये 23 वर्ष की यात्रा है, निरंतर उत्तराखंड विकास की ओर अग्रसर है। और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये जो दशक है ये उत्तराखंड का दशक होगा। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी,